आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में रबी सीजन खत्म हो गया है, इसके साथ ही खरीफ सीजन की फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन इसके बाद भी रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं देश विदेश में चर्चा में बनी हुई है। दरअसल भारतीय गेहूं यूक्रेन और रूस युद्ध की शुरुआत में ही सुर्खियां बटोर चुका है और भारतीय गेहूं पिछले महीनों में दुनिया के कई देशों में अपनी जगह बनाने में सफल रहा। लेकिन भारतीय गेहूं की यह यात्रा पिछले मई में देरी से हुई, वहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, जिसके तहत भारत सरकार ने देश से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसके बाद भी भारतीय गेहूं का देश से बाहर का सफर जारी है और निर्यात पर रोक के बाद 5,00,000 टन गेहूं देश से बाहर जा चुका है। मई महीने में भारत से 11.3 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया, जिसमें से 4 से 5 लाख टन गेहूं का निर्यात भारत सरकार के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले के बाद किया गया। हालांकि इसमें मिश्र को 61,500 टन गेहूं का निर्यात भी शामिल है। इस साल मई में गेहूं के निर्यात की यह दर पिछले साल मई महीने में हुए निर्यात से 3 गुना ज्यादा है। वहीं इंडोनेशिया और बांग्लादेश भारतीय गेहूं के प्रमुख खरीदार बनकर उभरे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात पर प्रतिबंध के बाद दोनों देशों ने कम से कम 1,00,000 टन भारतीय गेहूं का आयात किया। वहीं इन दोनों देशों के बाद यूएई, दक्षिण कोरिया, ओमान और यमन के नाम इस सूची में शामिल हैं, जिन्होंने निर्यात पर प्रतिबंध के बाद सरकारों के बीच द्वीपक्षीय व्यवस्था के तहत गेहूं के लिए भारत से संपर्क किया है। सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। दरअसल भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन गेहूं उन देशों को निर्यात किया जा रहा है जिन्हें इस फैसले से खास पत्र दिया गया था। ये व्यवस्था के तहत निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले के बाद भी दुनिया के देशों को गेहूं का निर्यात किया जा रहा है। वहीं इस वित्तीय वर्ष के 2 जून तक भारत सरकार ने 2.74 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया है, जो 1 साल पहले की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।